Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing about the main headings of qualitative research methodology, under which we have discussed several approaches already. And today I am going to discuss ethnomethodology. एथनोमेथोडोलॉजी हिंदी में इसको नृवंश विज्ञान कहते हैं. एंड द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड एंड वेरी यूजफुल फॉर योर रिसर्च पर्पजेज एंड यूजीसी नेट एंड वेरियस सर्टेन टीचिंग एग्जामिनेशंस एज वेल एज योर एमए एंड एमएड एग्जामिनेशंस टू. सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एथनोमेथोडोलॉजी? एथनोमेथोडोलॉजी इज अ स्पेशल वे और अप्रोच टू डूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च. मतलब एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? एक विशेष तरीका है या एक विशेष उपागम है जिससे कि हम क्वालिटेटिव सोशल रिसर्च को कर सकते हैं. अच्छा, अभी हम लोग इस लेक्चर को पढ़ते पढ़ते एथनोमेथोडोलॉजी और एथनोग्राफी में भी अंतर समझ लेंगे. और ये भी एक अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए. जैसे हम लोगों ने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं, जैसे नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, ग्राउंडेड थियरी, एथनोग्राफी, है ना, केस स्टडी, इस फेनोमेनोलॉजी, उसी क्रम में एथनोमेथोडोलॉजी भी है. इट फोकसेस ऑन, किस पर यह फोकस करती है, इसका मुख्य बिंदु क्या होता है? लोकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस. मतलब इसका मेन इम्फेसिस इस पे है कि जो सोशल एक्टर्स हैं, सोशल एक्टर्स मतलब जो इंडिविजुअल, जो मेंबर हैं उस सोसाइटी के, उनकी लोकल अकाउंटेबिलिटी क्या है किसी भी प्रैक्टिस को लेके. वो प्रैक्टिस कितनी भी सूक्ष्म हो, अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में उसको करते हैं, उसका मतलब कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई ना कोई वैल्यूज होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है. एंड इज आफ्टर, और उसी से एथनोमेथोडोलॉजी को कंसर्न है. एंड इज आफ्टर लोकल एंड टाइम बाउंड फीचर्स ऑफ द फिनोमेना, कि वो घटना उस समय क्यों हुई, वो लोकल उसका क्या कंटेक्स्ट था. इट सीक्स टू स्टडी द डिटेल्ड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर. यानी कि जो सामाजिक क्रम, सामाजिक ऑर्डर बना हुआ है हमारे समाज में, उसके प्रोडक्शन की स्टडी करना चाहता है कि कैसे ये क्रम है, कैसे ये हायरार्की है, ऐसा काम हम क्यों करते हैं अपने समाज में. एथनोमेथोडोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल्स. देखिए, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में हम इंडिविजुअल पर में इंटरेस्टेड थे, लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी में हम इंडिविजुअल में इंटरेस्टेड नहीं है. इट्स फील्ड इज द डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सोशल लाइफ एंड इट्स प्रोसीजर्स. जो सामाजिक जीवन वो इंडिविजुअल जीता है, जो प्रक्रिया को फॉलो करता है, जो क्रम करता है, जो कार्य करता है सामाजिक, समाज में एक सामाजिक प्राणी के रूप में, उसमें इंटरेस्टेड है एथनोमेथोडोलॉजी, इंडिविजुअल में इंटरेस्टेड नहीं है. The individual is only seen as a member of a social cohort. सिर्फ एक social cohort का जो सदस्य समझा जाता है यहाँ individual को, that populate social scenes which are the object of inquiry. यानी कि यहाँ object of inquiry क्या है? Social scene. यानी कोई सामाजिक घटना. तो उस सामाजिक घटना का आप इतने दिनों में समझ गए हैं कि आप quantitative analysis नहीं कर सकते. तो क्वालिटेटिव करेंगे, तो क्वालिटेटिव में हमको समझना पड़ेगा कि हम अध्ययन करने किसका जा रहे हैं. अगर हम फेनोमेना का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम फेनोमेनोलॉजी अप्लाई करेंगे. अगर हम मेंबर का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम सोशल सीन, सोशल प्रोडक्शन, सोशल ऑर्डर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमको एथनोमेथोडोलॉजी की शरण में जाना होगा. एथनोमेथोडोलॉजी इज एम्फेसिस ऑन एवरीडे एंड ऑन ऑर्डिनरी पीपल्स मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्डर इन देयर सोशल वर्ल्ड्स. यानी कि हम अपने सामाजिक संसार में उस सामाजिक क्रम को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो सब एथनोमेथोडोलॉजी का कार्य क्षेत्र है. इस परहैप्स इट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये ही एथनोमेथोडोलॉजी की सबसे विशिष्ट विशेषता है कि वो किस पे एम्फेसिस करता है, कि ऑर्डिनरी पीपल, ये नहीं कि कोई हमको स्पेशल आदमी पर अध्ययन करना है. रोजमर्रा की जिंदगी में, सॉरी, कैसे सोशल वर्ल्ड में सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, यही इसका फील्ड ऑफ स्टडी है. अगर इसकी डेफिनेशंस पे जाएं, तो कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है इसको कि ए फॉर्म ऑफ एथनोग्राफी. यानी कि ये एथनोग्राफी का ही फॉर्म है. अगर आपको एथनोग्राफी याद हो, तो एथनोग्राफी में क्या था, हम कल्चरल, किसी कल्चर की स्टडी करते थे वहां जाके. तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एथनोग्राफी है, दैट स्टडीज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप मेंबर्स टू सी हाउ दे मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स. यानी कि जो ग्रुप मेंबर हैं, उनकी एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है ये देखने के लिए कि वो अपने इर्द गिर्द कैसे सोशल सेंस डेवलप करते हैं.
मैग्रॉ हिल सोशियोलॉजिकल थियरी साइट ग्लॉसरी इसको कैसे डिफाइन करती है, द स्टडी ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो समाज के सदस्य हैं उनका अध्ययन कि वो इन द एवरी डे सिचुएशंस रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की परिस्थिति में विच दे फाइंड देमसेल्व्स विद अ फोकस ऑन द वेज इन विच दे यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स टू प्रोड्यूस ऑर्डिनरी सोशल रियलिटी, यानी हमारा जो सामाजिक यथार्थ है, हमारा जो सामाजिक सत्यता है, रियलिटी है, उसको हम कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड से प्रोड्यूस करके उसको कर ले जाते हैं, मतलब हमको वो बहुत यूजुअल लगेगा क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन कोई बाहर से उसका अध्ययन करने आएगा तब वो समझेगा कि हम कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड्स प्रोड्यूस करते हैं उस ऑर्डिनरी सोशल रियलिटी को लाने के लिए. Then have explained ethnomethodology as ethnomethodology proposes the study of social order as it is constituted in and through the socially organized conduct of the society's members, है ना, कि social order की study है और socially organized conduct कैसे society के member करते हैं. Then अगर इसकी history पे जाएं तो ethnomethodology was conceived through the writings of Harold Garfinkel. Garfinkel साहब से ये जुड़ा हुआ है और Garfinkel साहब जो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट टॉलकॉट पार्सन्स के शिष्य थे, लेकिन सोसाइटी को स्टडी करने का तरीका इनका पार्सन से भिन्न है, मतलब अपने गुरु से अलग इन्होंने एक विधा बनाई कि ethnomethodology ये एक तरीका है. एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हुए और 1968 में ये अपनी किताब लिख रहे हैं स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जिसमें इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का अध्ययन किया. यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो एथनोग्राफी है उसका ओरिजिन क्या था, एंथ्रोपोलॉजिकल था. जो फेनोमेनोलॉजी है उसका ओरिजिन क्या है, फिलोसॉफिकल है. लेकिन एथनोमेथोडोलॉजी का ओरिजिन जो है वो सोशियोलॉजिकल है, सामाजिक उत्पत्ति है. एथनोमेथोडोलॉजी लिटरली मीन्स, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो द स्टडी ऑफ पीपल्स, एथनो, एथनो का मतलब लोग, जन, है ना, मेथड्स ऑफ नोइंग अबाउट एंड क्रिएटिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि जो कैसे हमारा सोशल ऑर्डर बना है उसके बारे में, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसी का अध्ययन एथनोमेथोडोलॉजी है. एथनोमेथोडोलॉजी फिट्स इनटू द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म. हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्टिविज्म पे, संरचनावाद पे, तो एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो इसी के फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में फिट बैठती है. किसके, संरचनावाद के. क्यों, क्योंकि संरचनावाद क्या कह रहे हैं कि संरचना करनी है ना, यानी कि ईच इंडिविजुअल, ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी अपना सोशल ऑर्डर कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा है. कंस्ट्रक्टिविज्म सीक्स टू अंडरटेक रिसर्च इन नेचुरल सेटिंग्स. हम लोग ने बार बार पढ़ लिया कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा नेचुरल सेटिंग में होगी, रियल वर्ल्ड सेटिंग में होगी, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिविटी के कोई मायने नहीं है इसमें. एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ थ्री एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांसेस फॉर क्वालिटेटिव इंक्वायरी, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो क्वालिटेटिव इंक्वायरी है, जो गुणात्मक खोज है, गुणात्मक अनुसंधान है, उसका तीन मुख्य एपिस्टेमोलॉजिकल स्टांस है. कौन कौन से, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म एंड हर्मिन्यूटिक्स. संरचनावाद, इंटरप्रिटिविज्म का मतलब ही आप समझ रहे हैं क्या है, कि वो इंटरप्रिट करना है, इंटरप्रिट करना चाहते हैं. और हर्मेन्यूटिक्स भी एक साइंस एंड थ्योरी है, किसकी, इंटरप्रिटिव, कैसे इंटरप्रिट करेंगे, और मेनली बाइबल के संदर्भ में इसका जन्म हुआ और बाद में फिर ये बहुत पॉपुलर है. तो क्यों, क्योंकि इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट ना क्वालिटेटिव में. तो गारफिंकल और इपिस्टेमोलॉजी आप जानते ही होंगे, फिलोसफी को बहुत बार बहुत लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा लिया है. Then Garfinkel rejects the very idea of society as a real objective structure out there. यानी कि Garfinkel जो है वो society के idea को reject करते हैं कि society कोई objective structure है, जो कहीं है, कहीं एक objectively उसको study किया जा सकता है. He posited, उन्होंने कहा, उन्होंने माना that social reality and social facts, ये सामाजिक सत्यता, सामाजिक यथार्थ और सामाजिक तथ्य जो है वो construct किए जाते हैं, produce किए जाते हैं और organized किए जाते हैं. कैसे, थ्रू दी मुंडेन एक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ एवरी डे लाइफ, यानी कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की परिस्थितियों और सांसारिक कार्यों में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, सोशल रियलिटी और सोशल फैक्ट. कौन कह रहा है, Garfinkel. ओके, देन Garfinkel सेट आउट टू इंपीरिकली एक्सप्लोर हाउ पीपल अकॉम्प्लिश, establish, produce and reproduce a sense of social structure. और वो यही खोजने निकले Garfinkel, और उन्होंने नाम दिया मेथड का कि एथनोमेथोडोलॉजी से आप खोज लीजिए कि कैसे जो लोग हैं वो पूरा करते हैं, स्थापित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पुनरुत्पादित करते हैं एक सेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, एक सामाजिक संरचना का सेंस, एक सामाजिक संरचना को. ओके, तो अगर हम इसके कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स पे ध्यान दें तो बहुत सारा है, लेकिन हमने सिर्फ तीन लिया है मेन. अगर आप और देखेंगे तो बहुत सारा और मिल जाएगा, बट हम इतना लेक्चर लेंदी नहीं कर सकते. तो द कंसेप्ट्स ऑफ इंडेक्सिकलिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये तीन तो इसके मूलभूत आप कह सकते हैं, सॉरी,
सिद्धांत है, इंडेक्सिकैलिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडेक्सिकैलिटी देखिए क्या है, ये बहुत कुछ इंडेक्सिंग से ही मतलब है इसका, मतलब इंडेक्स से, जैसे हम बुक के इंडेक्स से पता चल जाता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा शब्द दिया हुआ है। तो इंडेक्सिकैलिटी का यहाँ क्या मतलब है, द टर्म इंडेक्सिकैलिटी ओरिजिनेट्स इन लिंग्विस्टिक्स। देखिए ये भाषा विज्ञान से इसकी उत्पत्ति हुई है, एंड विद इन लिंग्विस्टिक्स इट इज यूज टू रिफर टू सर्टेन वर्ड्स विच मीन डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट दैट दे इंडेक्स। मतलब कि कौन सा शब्द किस परिस्थिति में किस लोकल कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा। हम यूनिवर्सली नहीं कह सकते हैं कि प्रिय का क्या मतलब होता है, दुख का क्या मतलब होता है, कष्ट का क्या मतलब होता है, खुशी का क्या मतलब होता है, ये सब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन अपहोल्ड करते हैं। तो क्या करना है, और इंडेक्स का क्या मतलब, थिंक ऑफ हाउ एन इंडेक्स इन द बैक ऑफ ए बुक पॉइंट्स टू ए पेज लोकेशन। कि कैसे हमको किताब में पीछे पलटते हैं तो हमको पता चल जाता है अच्छा ये पेज कहाँ, ये शब्द कहाँ लिया है, उसी इंडेक्सिंग से उन्होंने ये इंडेक्स लिया है। एथनो मेथोडोलॉजी एक्सटेंड्स दिस, उन्होंने उसको और एक्सटेंड कर दिया और कहा क्या, प्रपोजिंग दैट एनी सोशल एक्शन, मतलब हम कोई भी सामाजिक काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट सर्टेन वर्ड्स, मतलब जरूरी नहीं कि हमने शब्द बोले, any utterance, any gesture or indeed any kind of socially recognizable action only makes sense through inferences about what the action indexes or points to in that particular context। यानी कि सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं, हमने क्या utter किया, हमने क्या gesture किया, ये सब depend करेगा इस पर कि किस social context और किस indexing में वो बात की जा रही है। तो ये indexicality बहुत important है, हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी करते हैं और महसूस करते हैं तो हम उसको इतना खास नहीं मानते हैं कि कुछ बहुत खास हो गया, लेकिन कोई और अगर हमारे समाज का अध्ययन करने आए तो वो समझेगा कि हर शब्द, हर अटेरेंस और हर जेस्चर का अलग अर्थ है ना। देन रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी को हमने कई बार क्वालिटेटिव रिसर्च में पढ़ लिया है। द टर्म रिफ्लेक्सिविटी रिफर्स टू द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अकाउंट्स दैट बोथ डिस्क्राइब एंड कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल सीन फॉर व्हाट इट इज। यानी रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है प्रोड्यूसिंग अकाउंट्स दैट बोथ डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन भी करना है और कॉन्स्टिट्यूट भी करना है सोशल सीन को, मतलब कैसे वो सोशल सीन बन रहा है। रिफ्लेक्सिविटी रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज ऑफ ए सोशल वर्ल्ड प्रिवेलिंग विद इन अ ग्रुप एक्सप्लेन सोशल इवेंट्स। यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि वो सारी क्रियाएं जिनसे कि एक सोशल वर्ल्ड का ताना बाना बुना जा रहा है, एक ग्रुप के अंदर, एक सोशल इवेंट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर वो सोशल वर्ल्ड कैसे प्रिवेल कर रहा है। Each of the members of a group possesses own descriptions of what the events themselves है ना, क्योंकि इतना इसमें context specific है और इतना इसमें subjectivity है, तो हर member जो है वो अपना description खुद तैयार करता है। The concept of reflexivity focuses attention on how people in the interaction go about maintaining the presumption that they are guided by a particular reality। यानी कि concept reflexivity का किस पर focus करता है कि how people in the interaction, यानी कि अगर हम दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, go about maintaining Maintaining and presumption that they are guided by a particular reality। तो कुछ उनकी reality होगी ना, कोई उनके बीच में आपस में अंतर संबंध होगा, कुछ उनके रिश्ते होंगे, तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। Most of ethnomethodological inquiry addresses this question of how reflexive interaction occurs। और बहुत सारी जो ethnomethodological inquiry होती है वो यही इसी question को address करती है कि ये reflexive interaction होता कैसे, क्या क्या उसके पीछे important factor हैं जो उस पर उसको डिमांड करते हैं, उसको govern करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर गारफिंकल, अकाउंटेबिलिटी से सेंट्रल कंसेप्ट, मतलब गारफिंकल जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इथनोमेथोडोलॉजी का एक सेंट्रल कंसेप्ट है। ही राइट्स, वो लिखते हैं, इन डूइंग सोशियोलॉजी एवरी रेफरेंस टू द रियल वर्ल्ड इवन वेयर द रेफरेंस इज टू फिजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट्स इज अ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। वो कह रहे हैं कि जब भी हम समाज शास्त्र में अध्ययन करते हैं इस रियल वर्ल्ड का, तो चाहे वो फिजिकल और बायोलॉजिकल इवेंट की बात की जा रही हो, कहीं ना कहीं जाके हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज से जुड़ता है। एथनोमेथोडोलॉजिकल स्टडीज एनालाइज, तो जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो क्या अध्ययन करती है, एवरीडे एक्टिविटीज, रोजमर्रा में जो काम चल रहा है। ये बार बार कह रहे हैं कि मुंडेन एक्टिविटीज, सांसारिक क्रियाएं, एवरीडे एक्टिविटीज, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज is members for making those same activities visibly rational and reportable। यानी accountable का क्या मतलब है in ethnomethodology में, कि वो दिखना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, वो observable होना चाहिए, वो reportable होना चाहिए for all practical purposes, that is accountable। ये accountable है किसके हिसाब से, Garfinkel के हिसाब से ethnomethodology में, as organizations of common place everyday activities, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक अगर हम निकालना चाहें एथनोमेथोडोलॉजी की, क्या हो जाएगी, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट रिफ्यूज्ड टू ट्रीट एक्टर्स एज जजमेंटल डोप्स। डोप का मतलब यह मूर्ख से है।
ये जो एथनोमेथोडोलॉजी है मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजिस्ट हैं वो रिफ्यूज करते हैं, अस्वीकार करते हैं कि जो सोशल एक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो जजमेंटल डोप्स नहीं हैं। फिर एथनोमेथोडोलॉजी ट्रीट्स द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट्स एज द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ मेंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंबर्स मेथोडोलॉजिकल एक्टिविटीज। यानी कि जो मेंबर है, जो एक्टर है, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका वो उसमें वो सोशल फैक्ट को अकॉम्प्लिश करता है। एथनोमेथोडोलॉजी डज नॉट फोकस ऑन एक्टर्स और इंडिविजुअल्स, ये बात हो चुकी कि इंडिविजुअल या एक्टर पे हमको फोकस नहीं करना है, बट रादर ऑन मेंबर्स, सदस्य के रूप में है हम सिर्फ एक समाज के, हमारा अपना इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इन अकॉर्डिंग टू एथनोमेथोडोलॉजी। एथनो मेथड्स आर रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एथनो मेथोडोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द नेचर ऑफ दैट अकाउंट बट मोर जनरली इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंट यानी कि जो कुछ भी चल रहा है उस पर तो ये फोकस करती है, इंटरेस्ट करती है, पर कैसे वो बना है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, इस पर ज्यादा इसका फोकस रहता है। इन एनालाइजिंग अकाउंट्स, जब ये अकाउंट्स का विश्लेषण करती है तो एथनो मेथोडोलॉजिस्ट अडॉप्ट इन स्टैंस होना चाहिए था, या अ स्टैंस है, सॉरी बीच में स्पेस भी है, अ स्टैंस ऑफ एथनो मेथोडोलॉजिकल इनडिफरेंस। मतलब हम उदासीन होकर चलेंगे ना, हम कुछ वैल्यू लेटे नहीं चलेंगे, यहाँ आपने अच्छा किया, बुरा किया, ऐसा किया, वैसा किया, क्यों किया, हमको एक एथनो मेथोडोलॉजिकल इनडिफरेंस के साथ स्टडी करनी है। की पॉइंट्स क्या है इसके, एथनो मेथोडोलॉजीज गोल इज टू डॉक्यूमेंट द मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस थ्रू विच सोसाइटीज मेंबर्स मेक सेंस ऑफ देयर वर्ल्ड्स। जो सोसाइटी के मेंबर हैं, जो सोशल एक्टर हैं, उन्होंने अपने जो संसार है उसको कैसे सेंसिबली उसमें काम करते हैं, कैसे उसका सेंस दिया है, उन मेथड्स और प्रैक्टिसेस को ही इसको डॉक्यूमेंट करना है, उसी पर अध्ययन करना है, यही इनका गोल है। एन ए रॉल्स कैरेक्टराइजेस द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ एथनो मेथोडोलॉजिकल स्टडी सेइंग, एन ए रॉल्स क्या कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव सम शेयर्ड मेथड्स। यानी कि जो भी मेंबर हैं सोसाइटी, उनके पास कुछ शेयर्ड मेथड होना चाहिए, यानी कि हमारा मेथड आपसे बिल्कुल अलग है, आपका उनसे बिल्कुल अलग है, कुछ शेयर्ड मेथड होगा तभी तो हम बातचीत कर पाएंगे, तभी तो हम अपना सैंपल चुन पाएंगे ना। दैट दे यूज टू म्यूचुअली कंस्ट्रक्ट द मीनिंगफुल ऑर्डरलीनेस ऑफ सोशल सिचुएशंस। देन एथनो मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी। देखिए, जो आपका पारंपरिक समाजशास्त्र है उससे ये विभिन्न है, कैसे, बिकॉज इट इज नॉट एज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, ये समाज के विश्लेषण पर बल नहीं देती है, बट रादर विद द प्रोसीजर्स थ्रू विच सोशल ऑर्डर इज प्रोड्यूस, बल्कि उन क्रियाओं पे, प्रक्रियाओं पे बल देती है जिनके तहत सामाजिक क्रम का निर्माण हो रहा है। In contrast to traditional sociologist forms of inquiry, the ethnomethodological perspective does not make theoretical or methodological appeals to outside assumptions regarding the structure of an actor or actor's characterization of social reality. ठीक है, conclusion, अगर हम इसको conclude करना चाहें तो क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम इसको एथनोमेथोडोलॉजी को एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रैक्टिस पढ़ेंगे तो उसी तरह से होगा कि हमको उसी तरह से अपने सैंपल चुनना है, हमको उसी तरह से डेटा कलेक्शन के साथ साथ डेटा एनालिसिस करती रहनी है, उसी तरह से हमको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है, तो वो सारी चीजें चूंकि सिमिलर हैं, इसलिए मैंने मेन इम्पेसिस एथनोमेथोडोलॉजी पे है, क्योंकि ये बहुत कम अभी प्रचलन में है और लोग कम जानते हैं इसके बारे में। ओके, देन एथनो मेथोडोलॉजी इज बेसिकली अ वे ऑफ स्टडिंग, मुख्यतः यह एक अध्ययन का तरीका है कि हाउ पीपल इन एवरीडे सेटिंग्स, कि लोग जो हैं वो रोजमर्रा की सेटिंग में रीजन एंड फॉर्मुलेट देयर एक्शंस, कैसे अपने मुंडेन एक्शंस को उसके पीछे तर्क देते हैं और कैसे उसको करते हैं। The methodology considers that trying to understand their situations actually produces the situation that people are in. और ये consider करती है कि उस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, अगर उनकी सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली हम समझ जाएंगे कि लोग कैसे उस सिचुएशन में आते हैं, कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं। द एथनोमेथोडोलॉजिस्ट एनालाइजेस द माइन्यूट डिटेल्स, एकदम माइन्यूट डिटेल का भी वो एनालिसिस करता है, सेटिंग्स का, एक्शंस का, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने कह दिया, लिंग्विस्टिक से निकला है इंडेक्सिकलिटी, और हर शब्द, अटरेंस, जेस्चर, वर्ड पे हमको ध्यान देना है एज दे अनफोल्ड नेचुरली, क्योंकि वो नेचुरली अनफोल्ड होकर हमको क्या बता देते हैं, टेल अ स्टोरी, हमको पूरी कहानी बता देते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज। रोजमर्रा के हमारे कार्यों का जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा खोल देते हैं। इट्स फोकस इज ऑन द मुंडेन एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन ड्यूरिंग देयर डेली लाइव्स एंड एम्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स विच शेप अवर एवरीडे लाइफ। सबसे खास बात, हम जिसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान के चलते, हमने कहा ना हमारे लिए वो खास नहीं है, क्योंकि हम उसको रोज कर रहे हैं, उसके आदि हैं, तो हमको लगता है कि यही तो सही है, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है। चीजें सिर्फ इसलिए सही नहीं होती कि हमेशा से ऐसी होती आई,
बट हमने चूंकि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो हमने कहा ठीक है, हमको हमको ज्यादा उस पर लॉजिक नहीं लगाना है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करनी, ऐसे ही चलता आया है तो ऐसे ही चलता आएगा। लेकिन बाहर से कोई आकर आपकी सोसाइटी का अध्ययन करे, तब वो आपको बताएगा कि क्या 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 कितना कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी एवरी डे लाइफ में। ओके, तो एथनोमेथोडोलॉजी लेस एक्सप्लोर्ड टॉपिक है अभी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। So thank you, I have completed it, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Enjoy my Telegram group too. Done from my side.